हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मे किचन। आप सभी का स्वागत है मे किचन में। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और ये रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल दाल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये बनाना ही बहुत आसान है और बनाने में हमें बहुत ही कम सामग्री की जरूरत होती है। ये बेसिक मसाले जो हमारे घर में होता है। तो आइए देखते हैं क्या बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे भिंडी, ये 250 ग्राम भिंडी है, इसे मैंने इसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काट दिया और बीच से मैंने इस तरह से नाइफ से चीरा लगा दिया है। हमें चाहिए आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक पिंच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, सरसों का तेल और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल बना सकते हैं, बट इसका भरवा भिंडी का जो टेस्ट होता है मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही यमी लगता है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भिंडी में स्टफ करने के सबसे पहले हम उसका मसाला बनाएंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर और हम लेंगे नमक। साथ ही ऐड करेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैंने हाथों में से मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हाथों से मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब देखते हैं हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। हम मसाले को साइड में रखेंगे। लेंगे भिंडी और भिंडी में मसाला भरना हम स्टार्ट करेंगे। तो भिंडी को हम इस तरह से लेंगे और भिंडी में हम अंदर मसाला भरेंगे। जितना मसाला अंदर जा पाएगा उतना मसाला भर देंगे भिंडी के अंदर। इस तरह से हम बाकी के सारे भिंडी में मसाला भर लेंगे। देखते हैं कितना इजीली ये स्टफ हो जा रहा है मसाला भिंडी में। तो हम बाकी की भिंडी को भर लेते हैं। तो भिंडी को मैंने यहाँ पे स्टफ कर लिया, इसे हम फ्राई करेंगे। तो हमने लिया है यहाँ पे पैन, हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। डालेंगे इसमें हम तेल, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से तवे पे फैला लेते हैं। तेल गर्म हो चुकी है, डाल देंगे इसमें हम ये जीरा। भिंडी में जीरा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जीरा को हम थोड़ा सा स्पटर में देते हैं। जीरा स्पटर हो चुकी है, गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। डालेंगे इसमें हम भिंडी, फ्राई भिंडी को हम डाल देंगे। तो भिंडी को हम 2 मिनट इस तरह से पकाएंगे लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम पैन को कवर करेंगे, हम आधा कवर करेंगे और भिंडी को करीब 9 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम, सॉरी गैस को भी हम लो रखेंगे। हम पूरा ढक नहीं पकाएंगे, अगर ढक पकाएंगे तो भिंडी हुई बहुत चिपचिपी हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसे हम आधा ढक पकाते हैं, बीच बीच में हम ऐसे हल्का का हम चलाते रहेंगे ताकि भिंडी 4-10 मिनट सिक जाए। तो हम हटाते हैं इसका लिड और इसे हम अच्छे से एक स्पून की हेल्प से इसे हम पलट देंगे ताकि भिंडी हमारे चारों ओर से सिक जाए। हम भिंडी को हल्का पलट देंगे, हम भिंडी को ब्रेक नहीं होने देना, जिसे हम हल्का हल्का पलट कर देखेंगे। अब इसे भिंडी पे कितना कलर भी आ रहा है, सारी भिंडी को पलट देते हैं। तो मैंने सारी भिंडी को पलट दिया है। इसे हम पहले की तरह ही आधा ढककर पकाएंगे। भिंडी हमारी हर तरह से सिक गई है और ये अच्छे से पक भी गई है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, भुला देंगे इसका ढक्कन और इसे हम हाई फ्लेम पे करीब 30 सेकेंड के लिए भुनेंगे।
भिंडी हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हम गैस से बंद कर देंगे। तैयार है हमारी भरवा भिंडी। ये बनाना जितना ही आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। आपको अगर मेरी पसंद आएगी तो ज्यादा से ज्यादा ना भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ अपने यूट्यूब चैनल नेहा स्नेहा किचन में। आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।